नमस्कार, आप देख रहे हैं हम फॉरेन न्यूज चैनल, आपके साथ मैं हूं अंशु। अयोध्या लखनऊ राजमार्ग स्थित कोतवाली राम सनेही घाट अंतर्गत ग्राम मेडुआ के समीप कंटेनर पर चालक क्लीनर को बंधक बनाकर 7,000 की नकदी सहित 6 टायर 2 बैटरी लूटकर बदमाश अपने वाहन से फरार हो गए। दिखाते हैं पूरी खबर। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक ड्राइवर सुखचंदन जिला फिरोजाबाद तहसील सुखाबाद गांव नानीमऊ पोस्ट मदनपुर व कंडक्टर रवि यादव जिला फिरोजाबाद तहसील सुखाबाद गांव नानीमऊ पोस्ट मदनपुर गुरुवार भोर लगभग 3 बजे गोरखपुर गल्ला मंडी से छुआरा उतार कर लखनऊ की ओर जा रहा था। नींद आने की वजह से जिला अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीमऊ गांव के पास पेट्रोल पंप के पास कंटेनर रोड किनारे लगाकर सो रहे थे। तभी 4 अनजान व्यक्तियों ने कंटेनर का गेट खोल ऊपर केबिन में घुस गए और इन लोगों ने ड्राइवर व हेल्पर को पकड़ लिया और बंधक बनाकर मारते पीटते हुए मुंह को दबाकर और कंटेनर को किनारे से रोड पर चढ़ाकर तेज रफ्तार में लाकर राम सनेही घाट क्षेत्र के मेडुआ ग्राम पर लगाकर उनके अन्य साथी दूसरे वाहन से थे और आकर वाहन के 6 टायर व 2 बैटरी और 7,000 की नकदी छीन कर भाग गए और एक रस्सी से बांध दिया था। किसी प्रकार रस्सी से छूटकर 112 पर सूचना दी। मौके पर चौकी प्रभारी विजय बहादुर पांडे ने पहुंचकर लूट संबंधी चालक व परिचालक से पूछताछ कर अपने आला अधिकारियों को सूचित किया और घटनास्थल पर सीओ पंकज सिंह व कोतवाली प्रभारी सचिदानंद रॉय ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर एसपी अरविंद चतुर्वेदी व एडिशनल एसपी मनोज कुमार पांडे बाराबंकी एसओजी टीम प्रभारी विवेक सिंह और जिला अयोध्या पटरंगा हाईवे चौक इंचार्ज रामचेत यादव ने मौके पर पहुंचकर लूट का निरीक्षण किया। बाराबंकी से हमारे संवाददाता मान बहादुर सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। आप अपने सुझाव हमें अवश्य दें।